को चापुड़ा मरी पसीगले धर्मशाला तहसीलदार शताधिक ट्रक ड्राइवर घेरी जा चढ़ईतरा फांडी में पशि मागिले सुरक्षा गोटे प्लाटून पुलिस फोर्स एसडीपीओ पहुंची कले उद्धार। आफ्रिका भूताणु को नहीं आईसीएमआर विशेषज्ञ कनक न्यूज को प्रतिक्रिया महामारी और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर समीरन पंडा कहते नुआ भूताणु को भय करूं द्वितीय डोज टीका नेबार विलंब न करने को दे परामर्श। आगे चली तालचेर विमलागड़ रेल प्रकल्प शेष पर्यायर पहुंचला सुनाखड़ी और समय स्टेशन मध्य बारुआ पहाड़ 840 मीटर सुड़ंग काम ट्वीट कर प्रधानमंत्री रेलमंत्री को धन्यवाद दे धर्मेन्द्र प्रधान। तीस तारीख आंडामान सगर सृष्टि लघुचाप क्षेत्र दुई चार तारिख जाए उपकूल ओडिशा वर्षा आशंका आईएमडी डीजी कहिले साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस नहीं मिलू संकेत लघुचाप रूप नेबा जनापड़ तीव्रता और गतिपथ। 24 घंटे देश में 8734 नुआ आक्रांत 621 मृत डेढ़ वर्ष पर सर्वनिम्न स्तर को छुईला सक्रिय संक्रमित मामला एपटे राज्य में 191 पॉजिटिव जड़े मृत। राजधानी सुपारी किलर गिरफ जड़े व्यवसायी को हत्या करने चलाई योजना खबर पाई पुलिस पिछा कला बेले गुड़ी फुटाई अपराधी काबू कला कमिश्नरेट पुलिस दुई बंदूक गुड़ जबत। कोरोना संक्रमण भय कटक भितर चली जूनियर हॉकी विश्वकप बिना दर्शक में खेल रही निर्देश बाय बबल रोते खेला हेले भारत मैच में गैलेरी में दर्शकों भिड़ को नहीं उठला प्रश्न। ट्रक ड्राइवर को चापुड़ा मारी हटहटा हेले धर्मशाला तहसीलदार धर्मशाला तहसीलदार ट्रक ड्राइवर को चापुड़ा मारिबा घटना को नहीं रास्ता कोल्हाइतिला गाड़ी चालक संघ एपरिक चढ़ईधरा फांडी में पशी जाइथिबा तहसीलदार को दीर्घ समय धरी गाड़ी चालक संघ अटक रखिथिले। खबर पाई जाजपुर रोड एसडीपीओ गोटे प्लाटून पुलिस फोर्स घटनास्थल में पहुंची अटक तहसीलदार एडिशनल तहसीलदार एवं आरआई को उद्धार करिछन्ते। गाड़ी चालक संघ को बुझासुझा करने मामला शांत पड़ी। सूचना अनुसार आज सकाळे धर्मशाला तहसीलदार चढ़ईधरा फांडी निकट में कला पत्थर बोझे दुईट ट्रक को अटक रखी कागजपत्र जांच करते जाल कागजपत्र देखा कही तहसीलदार दुई ड्राइवर को चापुड़ा मारिबा सह धक्का देथिबा अभियोग होइछि। एहा गाड़ी चालक संघ को माड़ खाई दुई ड्राइवर जनाइबा पर घटनास्थल में पहुंचे शताधिक गाड़ी चालक बिना कारण ड्राइवर को दुर्व्यवहार करथिबा तहसीलदार क्षमा मागिबा को दाबी करथिला संघ। स्थिति बिगुड़ुथिबा देखि चढ़ईधरा फांडी भितर पशि जाइथिले रास्तार जांच करथिबा तहसीलदार एडिशनल तहसीलदार एवं आरआई यहपर गाड़ी चालक संघर सदस्य चढ़ईधरा फांडी को दीर्घ समय धरी घेराव करिबारु राजस्व अधिकारी दीर्घ समय धरी फांडी भितर फसी रही तहसीलदार दुई ट्रक ड्राइवर को क्षमा मागिबा दाबी रे चढ़ईधरा फांडी निकट रास्ता को मध्य अवरोध करथिले फल यातायात तो बाधाप्राप्त होता। जाजपुर एसडीपीओ गोटे प्लाटून पुलिस फोर्स घटनास्थल में पहुंची विक्षोभकारी बुझासुझा करने परिस्थिति शांत पड़ा रास्तारो खटिबा पर गाड़ी चलाचल स्वाभाविक होइछि। तबे ट्रक ड्राइवर को तहसीलदार चापुड़ा मारिबा महंगा पड़ी एवं दीर्घ समय धरी ट्रक ड्राइवर संघ यह घटना को विरोध करने तहसीलदार को मध्य अटक रखी एभली कि शताधिक ट्रक ड्राइवर घेरी जबारु चढ़ईधरा फांडी में पशि सुरक्षा मागिथिले तापरे गोटे प्लाटून पुलिस फोर्स एसडीपीओ पहुंची तांकु उद्धार करथिले। तो जेपरी भाव कागज जांच पत्र जितेबाला चली तहसीलदार दुईट ट्रक कागजपत्र देखिथिले से जाल कागजपत्र कही दुई जन ड्राइवर को चापुड़ा मारिबा धक्का मारी अभियोग करिछन्ते। यहपर यह घटना को नहीं ट्रक संघ पक्षर तीव्र विरोध कर किसी समय पर तहसीलदार को अटक रखा जाइथिला यहपर तहसीलदार सुरक्षा मागिबारु घटनास्थल गोटे प्लाटून पुलिस फोर्स पहुंची बुझासुझा करने पर स्थिति स्वाभाविक होती शताधिक ट्रक ड्राइवर घेरी जबारु तहसीलदार जनक फांडी में पशि सुरक्षा मागिथिले। ते बड़ कथा जदि जाल कागजपत्र ट्रक रखी जदि गाड़ी जांच रे कौन प्रकार समस्या थिला तेबे तहसीलदार चापुड़ा मारिबा कथाटी सत ना ट्रक ड्राइवर पक्षर यह मिछ अभियोग हुए तो ए दिगरे तदंत पर जमापड़ कोरोनार नुआ वारियंट
ओमिक्रॉन को नहीं आतंकित होबा नहीं। दक्षिण आफ्रिकार चिन्हट नुआ स्ट्रेन को नहीं एभली प्रतिक्रिया देछु इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एतिसे कोरोना कटकणा पालन सह कोरोना टीकार द्वितीय डोज नेबार आदो अवहेला न करबा को देशवासी को अपील करछि आईसीएमआर। कोरोनार म्युटांट भूताणु होइतिबा सत्वे ओमिक्रॉन अधिक संक्रामक और घातक सब्यस्त हेबो बोली कहबा आगुआ होइजिबो। एबे ओमिक्रॉन बाबदरे अधिक जानिबा पई लैब रिपोर्ट को अपेक्षा करा जाइछि। जेनोम सिक्वेन्स रे कोविड रो एही नुआ भूताणु रे गठनमूलक परिवर्तन थिबा लैब रिपोर्ट रे जणा पडुछि। तबे एहाकु द्रुत संक्रामक कहि हेबो नाही बोली महामारी और संक्रामक रोग विशेषज्ञ कहिछन्ती समीरन पंडा। आफ्रिका परे विश्वर अन्य राष्ट्र रे ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट होतबारु वर्तमान स्थिति रे सतर्क रहिबा सबुठ गुरुत्वपूर्ण। द्वितीय डोज रो द्रुत टीकाकरण जरूरी। एपरि हेले देशर संख्याधिक लोकों ठारे प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि हेबा कोरोना मुकाबला रे बड़ पदक्षेप हेबो बोली कहिछन्ती समीरन पंडा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को आपण केमते देखुछन या कोन विपदजनक? हां, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसमें जितना बदलाव है वो संख्या में कभी कई ज्यादा ये म्यूटेशन हैं, तो इसलिए WHO देखा और 5-6 कंट्री से ये रिपोर्टेड होके आ गया जी। इंडिया में अभी तक कोई रिपोर्टिंग नहीं है जी। लेकिन हमें सावधानी तो बरतना चाहिए। लेकिन जो करना है कि हमारा जो वैक्सीनेशन है हमें जो सेकेंड डोज लगाना चाहिए वो सब पालन करना चाहिए। और छानबीन हो रहा है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के बारे में क्या नियम लागू रखा जाए या रिस्ट्रिक्शन लगा के रखना चाहिए टेस्ट हो या ये सब विषय को लेकर। सर, दक्षिण अफ्रीका पर यूरोप में ओमिक्रॉन संक्रमण मामला वृद्धि पाउछि, इस्राएल ले मध्य ये वायरस डिटेक्ट हुई छि, सर एटी काहे की भूताणु बदलु छि? देखिए, जैसे कि मैंने कहा 5-6 देशों से ये रिपोर्टिंग आ गया है ओमिक्रॉन म्यूटेंट के बारे में, लेकिन ज्यादातर वो साउथ अफ्रीका से आए हैं। लेकिन बाकी सारे जो कंट्रीज है उधर कोई गिनी चुनी संख्या आए हैं, छोटा नंबर, एक या दो या चार पांच ऐसे। लेकिन हमें सावधानी बरतना चाहिए कि ये 5 से 50 ना हो जाए, जल्द से जल्द ना फैले। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि पूरा ग्लोबली फैल के ही रहेगा, बट हमें देखना चाहिए। सो विजिलेंस जरूरी है और उसी के साथ हमें जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको लागू रखना चाहिए। सर, अफ्रीका रे कहीं की इतने समय वायरस रहला कोई परिया की सेटी वैक्सीनेशन ठीक से हुई नहीं? वैक्सीनेशन जो है हमारा जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये तो पूरा होल वायरस जो वेरिएंट किल्ड वैक्सीन है, और एक है कोविशील्ड वो सब यूनिट है एडेनो वेक्टर वायरस, एडेनो वायरस जो है वो वेक्टर का रूप से काम करता है। तो ये दोनों हमें लगाना चाहिए और देखते हैं कि ये वैक्सीन कारगर ये रहेगा ये नया जो म्यूटेंट है ओमिक्रॉन का खिलाफ या विरुद्ध। तो लेकिन हमें आतंकित होने का जरूरत नहीं है, फिर भी हमें जो हमारा टाइम है सेकेंड डोज का जो डेट है उसी डेट पे जाके लगा लेना चाहिए, और भीड़ भाड़ में नहीं जाने का, मास्क इस्तेमाल करना और कोई सुपर स्प्रेडिंग इवेंट ना हो जाए इसी का बारे में ध्यान देना, ये सब बहुत ही जरूरी है। नहीं सर, अफ्रीका रे कहीं कितने समय वायरस टा रहला वो सेठिकार वैक्सीनेशन टा ठीक सही नहीं की? ना ना, ये वैक्सीन के साथ संबंध नहीं है। मतलब वैक्सीन क्या करता है? वैक्सीन तो संक्रमण को रोकते नहीं है, संक्रमण हो जाने के बाद वैक्सीन ने वो जो बीमारी है उसका गंभीर परिस्थिति ना हो जाए, अग्रसर परिस्थिति ना हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत ना हो, ऑक्सीजन का जरूरत ना हो या मृत्यु होने का भी संभावना रह जाते हैं, ये सब वो वैक्सीन ने टाल देता है। लेकिन वैक्सीन लेते हुए संक्रमण रुक जाएगा बात ये नहीं है, मास्क इस्तेमाल करने से संक्रमण रुकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका सिर्फ एक ही देश नहीं है, सारे बहुत सारे देशों में जिधर किधर ये संक्रमण है ये वायरस है वो म्यूटेशन तो होता रहेगा।
तो ये बात नहीं है कि जिस कंट्री में वैक्सीनेशन नहीं हुआ उसी कंट्री में ये एक म्यूटेंट निकाल के आएगा, ऐसे सोचना गलत है। वायरस जब खुद का आंकड़ा बढ़ाने का कोशिश करते हैं उधर थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाता है, ये बदलता हुआ रूप जो है उसको हम म्यूटेंट कहते हैं या वेरिएंट कहते हैं, ये एक स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन कोई कोई म्यूटेंट खतरामंद साबित हो सकता है, कोई कोई म्यूटेंट ये भी साबित हो सकता है कि जल्द से जल्द फैलने का उसके पास क्षमता रह जाता है। तो इसलिए हमें सावधानी बरतना चाहिए कि ये फैल ना पाए, हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसको पालन करें। सर आम देश में ये भूताणु आसीनी किंतु ओमिक्रॉन को आखि आगे रखी भारत पर लॉकडाउन एकमात्र बाट कि नहीं? लॉकडाउन तो एक ही रास्ता है, इसका बारे में हम लोग अभी तक सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि एक कंट्री को लॉकडाउन हम एक स्थिति परिस्थिति में हम चले जाते हैं तो उसमें बहुत सारे नुकसान भी पहुंचाता है, कोई चारा नहीं रहा और कोई रास्ता नहीं है, उसी टाइम लॉकडाउन का बारे में चर्चा होते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन का कोई संभावना नहीं है, लेकिन हम जो कम्युनिटी एंगेजमेंट ये हमारा हाथ में है, आपका हाथ में है, मेरा हाथ में है, पूरा देशवासी का हाथ में है कि हम भीड़ भाड़ में ना जाए, मास्क को इस्तेमाल करें, और सुपर स्प्रेडिंग इवेंट जो मास गैदरिंग जो होते हैं उधर से ही सुपर स्प्रेडिंग हो जाता है, तो ये सब ना हम करें। तो लॉकडाउन का अभी कोई बात नहीं चल रहा है, नहीं चलने भी चाहिए, मतलब लॉकडाउन एक ही मात्र रास्ता है, ऐसा बात है नहीं। दक्षिण आफ्रिका रे देखा जाइतिबा कोरोनार नुआ प्रजाति को नै विश्वव्यापी भय बढ़िछे, हेले एही भूताणु द्वारा आक्रांत को ठारे सामान्य लक्षण देखा जाउतिबा कहिछन्ते आफ्रिकीय डाक्टर। दक्षिण आफ्रिका मेडिकल एसोसिएशन बोर्ड रो सदस्य थिबा डाक्टर आंजेलिक कटजी एही नुआ प्रकार भूताणु बाबदरे प्रथमे स्थानीय प्रशासन को अवगत करथिले। तांको कहिबा हला आक्रांतक मांसपेशी रे यंत्रणा हेबा ओ दुर्बल लागिबा भली लक्षण देखा जाउछे। साधारणतः कोरोना आक्रांत कोठारे स्वाद और गंध बारी न पारिबा भली लक्षण देखा जाउथबा बेले एही नुआ भूताणु द्वारा आक्रांत कोठारे एभली लक्षण देखा जाउ नाही, तेणु एही नुआ भूताणु डेल्टा वारियंट भली मारात्मक नुहे बोली दाबी करिछंती आफ्रिकीय चिकित्सा विज्ञानी। अर्थात आफ्रिकार देखा देइतबा कोरोनार नुआ प्रजाति को नै अजथारे भय सृष्टि न करबाकु से परामर्श देइछंती। रामसेतु प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन रा अमित कुमार मिश्र जोडैछंती। प्रोफेसर श्रीतम मिश्र आपनकु कनक न्यूज को स्वागत। वर्तमान समय रे ओमिक्रॉन वारियंट को नै जे आलोचना होछि तबे पूर्व वारियंट अपेक्षा एहा अधिक मारात्मक विषय जना पड़नी जहाँ स्टडी है जहाँ जना पड़ी कि यहाँ कम मारात्मक कि संपूर्ण विश्व तो डब्ल्यूएचओ काम करमिटेड से जहाँ जना पड़ी एटा इतने मारात्मक नुह हाँ यहाँ जे यहाँ जल्दी स्प्रेड कर मारात्मक हिसाब से कम मारात्मक जहाँ जना पड़ी। प्रोफेसर मिश्र जहाँ कहते जल्दी अर्थात लोकों को संक्रमित करिबो तबे जणको द्वारा केते लोक संक्रमित होई परिबे ए नुवा वेरिएंट द्वारा? तारो एग्जैक्ट नंबर तो बने बाहरी पारनी कारण बहुत नुवा एटा डिटेक्ट नै छी तो किंतु जर कहू छी जेटा अपेक्षा एटा अधिक विगत रहे माने एक्सपेक्ट करिवो किंतु आमे बुझा कथा न जे पेड करिवार एकमात्र माने सोचि हमरो मास्क पिंदिबा किंतु मास्क पिंदिबा आ सर्कुलर किबा ताहले स्प्रेड करा कौन से चांस नहीं आमर तेणुक वैरिएंट जहाँ आसने नुआ नुआ आम जो निज प्रिकसन नवा आम सतर्क चलवा हमारे कौन से चांस ना कौन है बर्तमान देखिए आप यूरोप कंट्री मानक प्रबल थार्ड वेव आस बहुत नुआ केस आसु साउथ आफ्रिका बहुत कम केस आसण कौन कारण यह साउथ आफ्रिका जौन सी लोक देखिए आप प्राय लोक मास्क पिंधुंट प्राय मल्स मानक एयरपोर्ट मानक समस्त मास्क पिंधुंट यूरोप कंट्री में देखिए प्राय यूरोपियन कंट्री गुडाक ट्रेन हो बस लोक मास्क पिंधु ना तो स्प्रेड कर तो वैरिएंट रपोर्चन मानने तार इंपोर्टेंस रोचे कि मत जहाँ लगुच गोटे बड़ इंपोर्टेंस हूँ आम कि सतर्क रहा आम जदि मास्क पिंधा आम जदि खोला पवन जेता दबा वेन्टिलेसन रखा तापर कोई तार कारण ना। तबे प्रोफेसर मिश्र किंतु जदि देखिबा आफ्रिकीय वैज्ञानिक माने कहउछंती अस्वाभाविक किंतु सामान्य लक्षण देखा जाउछि जे माने एथिरे संक्रमित हेउछंती तबे कोन कोन लक्षण सेमानक मध्ये परिलक्षित हेउछि? जे जहाँ कहउछंती बतान केस देखिली कि जहाँ हमर आगु देखा होतला कोविड द्वारा
कि काश बहुत होता निश्वास असुविधा होता से सब आजिकल एत देखा जा तो मान सामान्य सिम्टम धरने जो गोड़ हाथ टे बिंदा रहा टे हेडेक रहा देखा आउ देखा जाए जो मान को इनफेक्शन हो मानने बहुत लोक अनभैक्सीनेटेड मैं भैक्सीन न नहींबार लोकों बेची हूँ तेणुक आम सतर्क हवा सहित जब भैक्सीन आप भैक्सीन नहीं ना भैक्सीन नहीं जातु भैक्सीन नवा सतर्क होबार रहा किसी डरिया कारण ना ते प्रोफेसर मिश्र आउ गोटे कथा जदि आम देखा जो धनी राष्ट्र गुड़िक अच्छे आपण वर्तमान समय करोनार मुकाबला करने के टीकाकरण को जोरदार करुछंती किंतु साउथ आफ्रिका क्योंकि पछरे पड़ जाए कि टीकाकरण सेठाकर धीमा पड़ थिबारु सेथिपई लोक माने पुणी थरे करोनार संक्रमित होउछंती कि यह एक कारण कि साउथ आफ्रिका रे टीकाकरण मात्रा के कम अच्छे मानी किंतु आमर इन्फेक्शन रेट देखा इन्फेक्शन रेट हिसाब से आमर मात्रा बहुत यूरोपियन कंट्री तुलना बहुत बहुत कम अच्छी जहां जी यूके रे वर्तमान आम यूनाइटेड किंगडम रे वर्तमान दिन को प्राय 40,000 लोक संक्रमित होती साउथ आफ्रिका रे दिन को आम 500-600 एमजी लोक संक्रमित होती तो देखा जे टीकाकरण में कम हेले संक्रमण आम कम अच्छी तो टीकाकरण को आम कर दरकार कि टीकाकरण को आम ब्लेम कर पारा ना तो डिफरेंट डिफरेंट वायरस डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट बाहर गए किया लेकिन कौन डरिया कौन आवश्यकता नहीं एक्चुअली तबे पूर्वर मध्ये कह जाउची भय करिवार आवश्यकता नहीं किंतु आमे जदि कोविड रो गाइडलाइन को मानुचे तबे ताको मात दे परिबा किंतु ए सब भितरे ए जो नुवा वेरिएंट आसची आपण कहउचें जे कम लक्षण देखा जाउची किंतु आमे द्वितीय लहर कथा आलोचना करबा किंतु बहुत संख्या रे लोक प्राण हराइचंती से भले किसी संभावना रहिची कि जदि कोनोसी लोक असावधानता रहउची मते जहाँ लगुची आमर जो भारत वर्ष आर वर्ष द्वितीय लहर आसला लोक बहुत प्राणहानि कले तार जोड़े कारण हूँ एक तो नंबर आम से केयरफुल रही ना एम केयरलेस हो गले सेकेंडली वैक्सीनेशन हो ना वर्तमान लहर आसने तीन टाइप रोच नंबर वन वी आर मोस्ट केयरफुल नंबर टू बहुत लोग वैक्सीनेशन नहीं जाते अलरेडी और नंबर थ्री जदि यहाँ कह सत ही था यार लक्षण कम रोक तो गोटे सर्दी है भाया गोटे हम गोटे निजाऊ तो डरियार कौन सा कारण ना थार्ड वेव आसने भारत वर्ष से मत लगुन यहाँ एत खराब हम आर वर्ष भाया तो निहत रूपे जो नुआ वेरिएंट को नहीं गोटे भय देखा ओमिक्रॉन सेतटा विपद नहीं बोली जहाँ आप मतामत रखते धन्यवाद प्रोफेसर मिश्र आपंकर तमाम आलोचना आम सहित प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन रो अमित कुमार मिश्र जोड़ी होते संपर्क में आलोचना करूथिले नूतन भेराइटी कोविड रो वर्तमान साउथ आफ्रिका देखा जाए जहाँ को ओमिक्रॉन बोली आख्या दिखाई डब्ल्यूएचओ द्वारा यह आशा करा जाए बहुत बेसी संक्रमणशील हो पार कारण ए बहुत गुड म्यूटेशन देखा जाए सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा है ए स्पाइक प्रोटीन रे पाखापाखि 30 म्यूटेशन देखा जाए पाखापाखि 50 म्यूटेशन देखा जिते अधिका म्यूटेशन हम से अधिका इम्यून एस्केप होवार संभावना अच्छी जो मैंने वैक्सीनेटेड थे संभवतः क्षेत्र में गुरुतर हमारा संभावना दे संक्रमण हमारा संभावना अच्छी तेणु आगत दिन गुडाक काले कोविड जो भेराइटी आसी संक्रमण अधिक बढ़ो से सतर्कता अवलम्बन करा साउथ अफ्रिका अन्न्य पांचटी देश वर्तमान विमान यातायात उपर कटक लोक मैंने बाहर जो मैंने कर वर्तमान केमती से रखा हम क्वारंटाइन कराव टेस्टिंग जेनेटिक टेस्टिंग देखा वर्तमान आह्वान आउ गोटे जिनस वर्तमान परिस्थित जिते छोट छुआ मैंने वैक्सीनेटेड होना 18 वर्ष तल को आम वैक्सीनेटेड करना से क्षेत्र में जेहेतु स्कूल सब खोला जदि यह संक्रमणशील अधिका होता है जेहेतु से वैक्सीनेटेड ना संभवतः आम आशा करवा से बोध संवेदनशील हे सिम्टोमेटिक मानकु जो माने अछंती जो वेरिएंट कथा कहउछंती जो स्टेट आसुछंती सब विभिन्न कंट्री रु से मानकु तांकर एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट रे निश्चय भाबरे ताकु क्वारंटाइन गाइडलाइन अनुसार कवर करा जाउछि तनो एटा डर नाय जे से मानकर एंट्रेंस आम एरिया को हेछि किंतु ताकु हेइ नाय बोली भाबी जेहेतु भाइरस कहउछंती म्यूटेशन करूछि से म्यूटेशन ता जानिया पे आम पाकर जो व्यवस्था अछि आमे सर्विलांस करूछे आम सर्विलांस किसीटा परसेंटेज आम जेनोमिक स्टडी सिक्वेन्सी करुचे वर्तमान पर्यंत
ଆମ ଦେଶରେ ସେଇଟା ବାହାରି ନାହିଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଯେତିକି ଅଛି ସେଠି ବାହାରି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଟେଷ୍ଟ ଜାରି ରହିବ, ଯଦି ଆସିଲା ତା ପ୍ରତି ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କରିହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଯାହା ଭେରିଏଣ୍ଟ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ହେଲା ଏଇ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ରଖିଛୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ପୁରା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ରାଜଧାନୀରୁ ଗିରଫ ହେଲା ସୁପାରୀ କିଲର। ନୟାପାଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ସୁପାରୀ କିଲରକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି। କମିଶନର ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଥିବା ରାଜଧାନୀରେ ପଶି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ନୟାପାଲ୍ଲୀ ଆଇଆର୍ସି ଭିଲେଜ୍ କିଡ୍ନି କେୟାର ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବୁଲୁଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ପରେ ନୟାପାଲ୍ଲୀ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ସତ୍ୟ ପାରିକ ଓ ଆର୍ ଏନ୍ ପାତ୍ର ସାଦା ପୋଷାକରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଧରିଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ 9mm ଏବଂ 7mm ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ, 8ଟି ଗୁଳି ଏବଂ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଜବତ କରିଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପଦଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କୋଇଲା ଚାଲାଣ ବେଳେ ସମ୍ପଦ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଏସ୍କର୍ଟ କରୁଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। 2004-2008-2016 ହତ୍ୟା ଓ ଡକାୟତି ମାମଲାରେ ସମ୍ପଦ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିନିଧି ଶୋଭାଜିତ ସିହ୍ନା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶୋଭାଜିତ, ରାଜଧାନୀରୁ ଜଣେ ସୁପାରୀ କିଲରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ତେବେ ଏହି ସୁପାରୀ କିଲର ଜଣକ କାହାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବା କାହାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ସେଭଳି କିଛି ସୁରାଗ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା କି ଆଗୁଆ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପାରୀ କିଲର କୁହନ୍ତୁ ଲିପି କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଲର କୁହନ୍ତୁ, 26 ରାତିର ଇଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାଖାପାଖି ରାତି 9-10 ଭିତରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା ଯେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ ଆଇଆର୍ସି ଭିଲେଜ୍ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, କିଡ୍ନି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ଗୁଳି ଅଛି। ଏଭଳି ସୂଚନା କିଛି ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ବା ବିଶେଷ କରି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଧା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କନଫର୍ମ ହେଲେ ଯେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି ବୋଲି, ତ ଆଉ କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଟୋଟାଲ 7 ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, 7 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯାଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲା ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଅଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ତାକୁ କକ୍ କରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ବନ୍ଧୁକକୁ କକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତା ଗୁଳି ପୋଲିସ ଉପରକୁ। ସେହି ଭିତରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ତାକୁ କାବୁ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବା, ସତ୍ୟ ବାରିକ ଏବଂ ଆର୍ ଏନ୍ ପାତ୍ର, ଏମାନେ ହିଁ ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସାହସ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କାବୁ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ରହିଥିଲା ସିଏ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକୁ ଯେତେବେଳେ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଆଣିଛି ଏବଂ ପଚରାଉଚରା କରିଛି, ତାର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସମ୍ପଦ ତା ନାଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ଏକ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତା ନାଁରେ ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଡକାୟତି, ଏଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ତା ନାଁରେ ରହିଛି। ସେ 3 ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଫେରିଛି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଯେଉଁ କାମ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଲର ବୋଲି ବା ପଇସା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଚୋରି କରିବା, ଡକାୟତି କରିବା ସହିତ ଏହି ସୁପାରୀ କିଲରକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟଜିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। କରୋନା ମୃତକଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ନେଇ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି।
प्रेसमिट राज्य कांग्रेस उपसभापति देवाशिष पटनायक राज्य में करोना मृतकों प्रकृत संख्या सामनाकु आसीना तेणु सर्वे कर सठिक करोना मृतकों संख्या जारी करने को दावी करते देवाशिष पटनायक एथस केन्द्र सरकारों पाखे करोना मृतकों पर 4 लाख टंकर अनुकंपामूलक सहायता देवाई दावी करने को राज्य सरकार को अपील कांग्रेस। जदि जो मैंने कोविड रे आम तो किसी करूँ ना जो मैंने चलीगले से तो आम फेर आई तेणु कांग्रेस दल सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी निष्पत्ति कले जे आम गोटे कैंपेन करवा आम निश्चित भाव में मोदी सरकार को बाध्य करवा 4 लाख टंका लेखाएं क्षतिपूरण देवाई जो मैंने कोविड रे मृत्युवरण कर 4 लाख टंका लेखा क्षतिपूरण देवाई जो मैंने मृत्युवरण करें लड़वा कारण गरीबों दुख शुणा सरकार कर्तव्य तेणु सी गोटे राहुल गांधी भल भाव सब सबुआड़े या केन्द्र सरकार पर चाप सृष्टि करी निश्चित भाव सुफल प्रसारी होचार करवा